कुसान के राजमहल में बने युद्ध स्थल पर वल्लभ को छोड़कर अरुणिमा और देववर्मन जा चुके थे। वल्लभ को पकड़ने के बाद आर्यमान उसे सजा देने की बात करता ही है। तब तक वहां पर श्रीपद आ जाता है। श्रीपद के वहां आने के साथ ही वल्लभ को जीने की उम्मीद मिल जाती है और उसका हौसला भी काफी बढ़ चुका था। श्रीपद से वल्लभ अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा था और साथ ही उसे आर्यमान को मारने के लिए भी कह रहा था। हालांकि वल्लभ की बातों को सुन रहे श्रीपद ने अभी तक कुछ कहा नहीं था। श्रीपद को चुप देख वल्लभ उससे एक बार फिर कहता है, छोटे मालिक, काला तेंदुआ द्वारा लिए गए इस जिम्मेदारी को आपको पूरा करना है। आप इस तरह चुप क्यों हैं? आप तलवार उठाइए और युद्ध भूमि में आ जाइए। वल्लभ की इन बातों को सुन रहा श्रीपद जहां अभी तक चुप था, वहीं अपनी तलवार को निकालकर आर्यमान बिल्कुल युद्ध के लिए खड़ा था। वहां पर पसरी चुप्पी के बीच आर्यमान युद्ध के लिए वल्लभ की तरफ बढ़ने लगता है। आज तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला है वल्लभ, आज तुम्हारी मौत पक्की है। इतना कहते हुए आर्यमान वल्लभ की तरफ बढ़ ही रहा था। तब तक वल्लभ श्रीपद की ओर देखते हुए एक बार फिर से कहता है, आप इस तरह खड़े क्यों हैं छोटे मालिक? आपको इस तरह खड़ा होना शोभा नहीं दे रहा। क्या अपनी दोस्ती के लिए आप काला तेंदुआ के नियमों को तोड़ देंगे? जब ये बात सबको पता चलेगी तो वे आपके साथ कैसा सुलूक करेंगे? सोचिए छोटे मालिक, सोचिए। वल्लभ की बातों को सुन रहा श्रीपद और थोड़ी देर तक शांत रहता है और फिर एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, वल्लभ जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, आपसे मुझे काफी कुछ सीखने को भी मिला है, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, आज मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। आपको आज अपनी लड़ाई अब खुद ही लड़नी होगी। श्रीपद की इन बातों को सुन वल्लभ के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि श्रीपद ने आर्यमान से लड़ने से मना कर दिया है। ये नहीं हो सकता, अगर जिम्मेदारी ली गई है तो छोटे मालिक को लड़ना ही होगा, मुझे इसे अच्छे तरीके से समझाना होगा। इन्हीं बातों को सोचते हुए वल्लभ श्रीपद से कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं छोटे मालिक? आपको अंदाजा भी है इन बातों पर क्या प्रतिक्रिया होगी? आप मेरी मदद करने से कैसे मना कर सकते हैं? अगर काला तेंदुआ ने जिम्मेदारी ली है तो उसको पूरा करना सभी योद्धाओं का काम है। आप भले ही छोटे मालिक है लेकिन हत्याओं से जुड़ा काम मेरे जिम्मे है। इस नाते ये मेरा आदेश है कि आपको आर्यमान से युद्ध करना ही होगा। अगर आप मेरे इस बात को नहीं मानेंगे तो आपको इस बल के मुखिया के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा और आपके माथे के ऊपर गद्दार होने का दाग लग जाएगा। फिर काला तेंदुआ के हथियारे आपको भी खोज कर मार देंगे। इसलिए आपको युद्ध तो करना ही होगा छोटे मालिक, फिर चाहे ये आपका कितना भी करीबी मित्र क्यों ना हो। वल्लभ की इन बातों को सुन श्रीपद शांत था, तो उधर आर्यमान ने अपनी तलवार को म्यान में नहीं रखा था। अपने पास ही खड़ी नैना से आर्यमान बेहद ही धीमी आवाज में कहता है, नैना, अगर श्रीपद बीच में आया तो उसे मुझसे भी लड़ना होगा। मैं आज किसी भी हालत में वल्लभ को छोड़ने वाला नहीं हूं, फिर इसके लिए चाहे मुझे किसी से भी युद्ध क्यों ना करना पड़े, आज वल्लभ को उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। आदिबाहु के दुश्मनों को मैं ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं। आर्यमान की बातों को सुन नैना श्रीपद की तरफ देख रही थी। नैना ने श्रीपद से अभी तक तो थोड़े गुस्से में बात की थी, लेकिन अब उसे श्रीपद के द्वारा उसके ऊपर किए गए एहसान याद आ रहे थे। इसने मेरी काफी मदद की है और फिर ये मेरे भैया का मित्र भी है, यहाँ पर संघर्ष न हो तो ही अच्छा है। श्रीपद भी कोई दुश्मन तो नहीं लगता। अभी वल्लभ ने भी कहा था कि उसे इस हत्या करने की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ आर्यमान को भी गलत नहीं कह सकती हूँ। वल्लभ को भी उसके किए की सजा देनी जरूरी है, उसे भी ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। अच्छा तो यही होगा श्रीपद वल्लभ की मदद ना करे, वरना फिर आर्यमान उससे भी भिड़ने से पीछे नहीं हटेगा। यही सोचते हुए नैना आर्यमान से कहती है, तुम देख लो आर्यमान, स्थिति को बिगड़ने मत देना, दोनों तरफ अपने ही लोग हैं। हमें वल्लभ को सजा भी देनी है और श्रीपद को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है, हमें यह संघर्ष किसी भी हाल में रोकना होगा। नैना की इन बातों को सुन रहा आर्यमान तुरंत ही उसे जवाब देते हुए कहता है, यह तो पूरी तरह से श्रीपद के ऊपर निर्भर करता है, मुझे तो बस वल्लभ को सजा देनी है। आर्यमान अभी नैना से आगे और कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसके कानों में श्रीपद की आवाज पड़ती है। काफी देर से शांत श्रीपद अब गुस्से में लाल होते हुए वल्लभ से कह रहा था, वल्लभ जी, आप चिंता मत कीजिए, काला तेंदुआ मुझे खोजने के लिए नहीं आएगा और वो आर्यमान की भी हत्या नहीं करेंगे, क्योंकि आर्यमान की हत्या को मैंने रद्द करवा दिया है। उसे मारना अब काला तेंदुआ का काम नहीं है, इसलिए आपने उसके साथ जो लड़ाई छेड़ी है ना, उससे अब आपको ही निपटना होगा। काला तेंदुआ अब आपकी कोई मदद नहीं करेगा। श्रीपद की इन बातों को सुन वल्लभ को उसके ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हत्या की जिम्मेदारी रद्द कैसे हो सकती है?
आप झूठ मत बोलिए छोटे मालिक। श्रीपद की बातों को सुन एक तरफ, जहां वल्लभ की हालत खराब हो रही थी, वहीं नैना के चेहरे पर अब जाकर सुकून वापस लौटा था। श्रीपद के युद्ध में न जाने की बात सुन नैना को काफी राहत महसूस हो रही थी। उधर वल्लभ की बातों को सुन श्रीपद सीधे युद्ध भूमि में कूदता है और वल्लभ की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ वल्लभ जी, जो आप मुझे झूठ नहीं बोलने के लिए कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सच ही बोल रहा हूँ। काला तेंदुआ ने सत्या को रद्द किया है क्योंकि आप एक भ्रष्ट इंसान है। मैंने सत्या को रद्द करवाया क्योंकि मुझे पता चल गया था आपने इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, इसलिए आप अब किसी तौर पर झूठ बोलने का इल्जाम न लगाएं वल्लभ जी। श्रीपद की इन बातों को सुन वल्लभ उसकी तरफ आते हुए कहता है, ये सब आप क्या बोल रहे हैं छोटे मालिक, भ्रष्टाचार ये सब मैंने कब कर दिया, आप इस तरह मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। वल्लभ की इन बातों को सुन श्रीपद बेहद ही गंभीर होते हुए कहता है, मैं सबके सामने आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जब आपने इसका जिक्र कर दिया है तो अब मुझे आपको सबके सामने शर्मिंदा करना ही होगा। वल्लभ जी, आप हमारे संगठन के नाम पर कलंक हैं, एक कलंक। हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य इस संसार से पापियों का नाश करना है, और इसके लिए हम जिसकी भी हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं ना, उसके पूरे इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया ना। क्यों वल्लभ जी? किसी भी हत्या के लिए हमें जो भी मिलता है वो हमारा नहीं बल्कि काला तेंदुआ का होता है। आपने हेमा के द्वारा मिलने वाले धन की तो जानकारी दी थी, लेकिन क्या आपने उस तोहफे के बारे में किसी को भी बताया था? आप एक हत्या के बदले किसी से भी कोई तोहफा कैसे ले सकते हैं, जब हर चीज काला तेंदुआ के पास जानी चाहिए। श्रीपद से सच्चाई सुनने के बाद अब वल्लभ का चेहरा लटका हुआ था। वो थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद श्रीपद से कहता है, क्या अब इसके बारे में वहां सबको पता चल गया है? क्या अब इसके बारे में हर कोई जानता है? क्या मेरी इतने वर्षों की प्रतिष्ठा मेरी गलती से धूमिल हो गई? वल्लभ की इन बातों को सुन श्रीपद उसकी ओर देखते हुए कहता है, ये गलती नहीं है बल्कि गुनाह है वल्लभ जी। वैसे आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, इसलिए यह बात सिर्फ हमारे मुखिया और कुछ वरिष्ठ सदस्यों को ही पता चली। मैं चाहता हूँ कि आपने हमारे लिए आज तक जो भी किया है उसके बदले आपको एक गरिमापूर्ण मौत मिले, और काला तेंदुआ में आपको गद्दार कहकर नहीं याद किया जाएगा। फैसला अब आपका है वल्लभ जी, आपको क्या करना है। आर्यमान की बातों को और उसके इन इशारों को वल्लभ समझ चुका था। उसकी बातों को सुन वल्लभ वहीं अपने घुटने पर बैठ जाता है और अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। छोटे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इज्जत बचा ली। मुझे अपनी इस जिंदगी को इस गरिमापूर्ण तरीके से समाप्त कर देने के लिए आपका शुक्रिया। इतना कहने के साथ ही वल्लभ अपनी तलवार को अपने गर्दन पर रख लेता है। वल्लभ को ऐसा करता देख हर कोई हैरान था। उधर वल्लभ अपनी तलवार को अपने गर्दन के भीतर उतारने ही वाला था, तब तक आर्यमान चित्रक से कहता है, चित्रक इसे रोको। आर्यमान की आवाज सुनने के साथ ही चित्रक बिजली से भी तेज गति से बाघ का रूप धारण करता है और वल्लभ द्वारा खुद को नुकसान पहुंचाए जाने से पहले उसकी तलवार को अपने जबड़ों के बीच दबाकर आर्यमान के पास ले आता है। अपनी तलवार को छिनते देख वल्लभ आर्यमान से कहता है, क्या हुआ आर्यमान, अब तुम मुझे मरने से भी क्यों रोक रहे हो? मुझे मरने दो, इससे तुम्हें क्या परेशानी है? वल्लभ की इस बात को सुन आर्यमान उसकी तरफ बढ़ता है, वल्लभ तुम इतनी आसान मौत कैसे मर सकते हो? तुमने आदि भाव के साथ जो किया है उसके बाद तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं मिल सकती है। तुम्हें तो अभी तड़पना है वल्लभ, तुम्हारी मौत भी ऐसी होगी कि चार लोग कहे, किसी को भी ऐसी मौत न मिले। आर्यमान की इन बातों को सुन वल्लभ श्रीपद की तरफ देख रहा था, लेकिन श्रीपद चुप था। तभी नैना आर्यमान से कहती है, तुमने इसके लिए क्या सोचा आर्यमान, तुम इसके साथ क्या करने वाले हो? नैना के इस सवाल को सुन श्रीपद वल्लभ की ओर देखते हुए कहता है, इसे तो मैं बेहद ही तड़पा कर मारना चाहता हूं, लेकिन यह काम आदिबाहु अपने हाथों से ही करेगा। तब तक के लिए मैं इसे बंदी बनाता हूं, ये मेरे कब्जे में रहेगा। आर्यमान की बातों को सुन नैना श्रीपद की तरफ देख रही थी, जैसे वो उससे उसकी आपत्ति के बारे में पूछ रही हो। नैना को अपनी ओर देखता देख श्रीपद उससे कहता है, ये तुम्हारा गुनहगार है, तुम इसके साथ जो करना है ना करो, बस इसके जिंदा होने की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। इतना कहने के साथ ही श्रीपद वहां से चला जाता है। श्रीपद के जाने के साथ ही आर्यमान के आदेश पर मनुष्य रूप में आया चित्रक वल्लभ को बंदी बना लेता है। अब सभी कुसान के राजमहल से निकलने लगे थे, तभी आर्यमान नैना से कहता है, अब उन्हें सजा देनी ही पड़ेगी नैना, आज मैं देव और हेमा को नहीं छोड़ने वाला हूं, अब उन्होंने गलतियों की सीमा को पार कर दिया है। आर्यमान की इन बातों को सुन नैना उसकी तरफ देख तो रही थी लेकिन बिल्कुल चुप थी।
देव और हेमा को अब सजा देने के लिए आगे क्या करेगा आर्यमान? क्या अब एक और युद्ध की शुरुआत करने जा रहा है आर्यमान?